हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज बहुत ही दिनों के बाद जो है आज मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। आज है बसंत पंचमी और आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी जो है पतंगे उड़ाई जा रही है। यहाँ पंजाब में ना बसंत पंचमी के दिन जो है काइट्स उड़ाने का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ होता है सभी लोगों को। बहुत सारे लोग जो है पतंग उड़ाते हैं। तो आज जो है सरस्वती माता का भी दिन है, तो आज सरस्वती पूजा होती है हमारे यहाँ। तो हम लोग लेके जा रहे हैं बच्चों को मत्था टिकाने के लिए सरस्वती माता का, क्योंकि आने वाले टाइम में यूवी को भी अब स्कूल में डालना पड़ेगा। तो हमने सोचा चलो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसको जो है सरस्वती माता का आशीर्वाद दिलवा देते हैं। और यूवी जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। इसको जो है इसकी बुआ ने ये गिफ्ट दिया था बर्थडे पे, जो ये सारा लेके जा रहा है नोटबुक वगैरह। तो हम लोग सोच रहे थे कि आज से बेहतर दिन हो ही नहीं सकता, इसलिए जो है आज चलते हैं इसको आशीर्वाद दिलवा देते हैं। जय माता दी, जय हो। इधर नहीं, इधर चलो। चलो तो यहाँ पर यूवी को मत्था मैंने टिका दिया है। मत्था टिकाने के बाद जो है जो हम लोग नोटबुक साथ में लेकर आए थे वो यहाँ पे माता जी के चरणों में रखी जाती है। आज का दिन बसंत का दिन कहा जाता है, बसंत पंचमी। और आज के दिन जो है बच्चों को आशीर्वाद दिलाया जाता है सरस्वती माता का। आज का दिन सरस्वती माता का होता है। तो वैसे हम सभी लोगों को पता है कि सरस्वती माता का आशीर्वाद हमारे जीवन में होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि यही देवी होती हैं जो हमें शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि देती हैं। तो इसलिए जो है बच्चों की पढ़ाई से पहले हमें जो है सरस्वती माता का आशीर्वाद दिलवाना ज़रूरी होता है। जो हम लोगों ने पहले हमें नहीं पता था तो नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन अब जैसे जैसे पता चलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है करते हैं। तो यहाँ पे पुजारी जी ने बोला कि आप इसके अंदर जो है बच्चे का नाम लिख दीजिए, तो मैंने यहाँ पे बच्चे का नाम लिख दिया। और उन्होंने कहा कि आप बस इस पे नाम लिख के रख दीजिए और हम इनको रख देंगे, आप कल या परसों ले जाइए यहाँ से, क्योंकि दो दिन मूर्ति रहती है यहाँ पे और माता जी का आशीर्वाद जो है मिल जाता है बच्चों को।
और माता जी का आशीर्वाद लेने के बाद यूवी की आप लोग मस्ती देख सकते हैं, किस तरीके से जो है ना भाग के मस्ती कर रहा था, यहाँ पे खूब भागा दौड़ी कर रहा था, उसको बार बार जाके पकड़ना पड़ रहा था हम लोगों को। तो छोटे जनाब कौन सा कम है यहाँ पे, छोटे जनाब यानी कि लक्षू जी जो है खुद ही यहाँ पे लग गए हैं डांस करने के लिए। थोड़ा बहुत म्यूज़िक की आवाज़ इनके कानों में चली जाती ना तो इनके पैर अपने आप थिरकने लग जाते हैं। उधर यू भी देखो कहाँ भाग गया, इसको बार बार जो है हम लोगों को पकड़ के लेके आना था। ये लड़का ना एक जगह टिकता नहीं है, देखो अभी तो एक को भाग भाग के पकड़ना पड़ रहा है, थोड़ा टाइम आएगा तो लक्षू को भी भाग भाग के पकड़ना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ गाइस कि व्लॉग आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।